दोस्तों फाइनली यहाँ पर रेडमी एक से एक धमाकेदार लॉन्चेस करती जा रही है चाइनीज मार्केट के अंदर। और यहाँ पर लू बिविंग जो कि रेडमी के सीईओ हैं, उनने कंफर्म कर दिया कि आपको बहुत ही जल्द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा रेडमी के एक नए लेटेस्ट डिवाइस के अंदर, जो कि होने वाला है रेडमी K40 Pro। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनली कंफर्म निकल कर सामने आई है। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रेडमी K30 Pro को इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और आप में से काफ़ी लोग इसका वेट बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, बट आपको इसी सीरीज़ का अगला स्मार्टफोन रेडमी K40 Pro चाइनीज मार्केट में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि फाइनली रेडमी के जनरल मैनेजर लू बिविंग ने कन्फर्म कर दिया है। और उन्होंने टीज किया है कि आपको 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 का चिपसेट होने वाला है। सो यहाँ पर आपको रेडमी K40 Pro के अंदर सबसे बजट सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 865 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अगर बात करें कैमरे की, तो बैक साइड का कैमरा जो होगा उसमें आपको कुछ बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि रेडमी K20 Pro के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिला था, उसके बाद हमें रेडमी K30 Pro के अंदर 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिला था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको रेडमी K40 Pro के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर या फिर 5 रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाए। साथ ही में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अलग से एडिशनल वेरियंट होगा। उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस की फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको सिमिलरली फुल व्यू डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको फ्रंट साइड के अंदर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म नहीं है, बट अगर एक्सपेक्ट किया जाए पिछले जनरेशन से तो हमें ऐसा कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। बट फाइनली यहां पर जो सबसे मेजर चेंजेस निकल कर आई है वो है इसका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्राइसिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है रेडमी के K सीरीज़ की। अगर पिछले बार की बात की जाए तो पिछले बार हमें 32,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में चाइना के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल गया था। तो 875 अगर 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में लॉन्च कर रही है रेडमी, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन देखने को मिलता है रेडमी की तरफ से। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको रेडमी K30 Pro इंडिया के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लेकर आया जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। OnePlus जो नहीं खरीदना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइस देकर, वो रेडमी को प्रेफर कर सकते हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।